जय 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 बजरंग बली, और तोड़ दो दुश्मन की नली, जाए चिंता मेरी चली। वैसे मारू मैं ताल के ऊपर ताल, वो ताल आज मारू मैं ताल के ऊपर ताल। तो कविताई की रीत नीति का जिसने दड़पण तोड़ दिया, और आज भगवती खैर करे उसने ही नाता जोड़ दिया। आज भगवती खैर करे उसने ही नाता जोड़ दिया। है तेरी चाणक्य नीति हर एक कुटो ने तोड़ दिया, मैंने थोड़ा तेरी हकीकत ने जब तुझे भी जोड़ दिया। नाम बड़े दर्शन छोटे मशहूर मसल सब जोड़ दिया, इधर उधर की मार के लोकल भी रहे का रुख मोड़ दिया। इधर उधर की मार के लोकल भी रहे का रुख मोड़ दिया। पता नहीं क्यों साधु संत ने तुम्हें ये पंथ ये घोड़ दिया। ज्ञान के दो थप्पड़ का भी खुद ही समझो क्यों छोड़ दिया। ज्ञान के दो थप्पड़ का भी खुद ही समझो क्यों छोड़ दिया। कन्हैया यादव ने जवाब जिसको भी दिया मुंह तोड़ दिया। मेरे सामने जो आया दीपू की तरह, कृष्ण से अर्जुन बोले अरे मेरे करता सुनो, माया अंग फड़कता मेरा क्यों है जार बेजार सुनो। कौरों के सेनापत जब से हुए हैं द्रोणाचार सुनो, धड़क रहा है मेरा कलेजा जगत के पालनहार सुनो। श्री कृष्ण अर्जुन से बोले मित्र ये बात हमार सुनो, इसी तरह से रहोगे तो हो जाओगे बीमार सुनो। त्रिगज राजा से लड़ना है हो जाओ तैयार, बोले है अर्जुन साज सजाया नहीं जाता। जब रात जमाता हो जमाया नहीं जाता, जा रहा हूँ लेकिन पैर बढ़ाया नहीं जाता। उकड़ा हुआ गांधी ले जाया नहीं जाता, अपने सिर पर ये पाप चढ़ाया नहीं जाता। गुरुदेव पर गांधी चलाया नहीं, गुरुदेव पर गांधी चलाया नहीं जाता। तो इतना सुनकर श्री कृष्ण माया में फंसाया अर्जुन को, गीता का उपदेश दिया और ज्ञान कराया अर्जुन को। पिता पुत्र स्वागत के साथी है बतलाया अर्जुन को, वेद मंत्र उच्चारण कर रथ पर बैठाया अर्जुन को। वेद मंत्र उच्चारण कर रथ पर बैठाया अर्जुन, समशक्तों की ओर गए रण में पहुँचाया अर्जुन। जयगज राजा के मुकाबले में लाए भिड़ाया, आँखियों में आंसू दे गया। कौन पर जैसी तेरा दिल ले गया, जाते जाते आँखियों में आंसू दे गया। मौका पाकर दियो धन ने अपना जाल बिछाया है, द्रोणाचार्य के पास गया चरणों पर सिर झुकाया है। मेरे सेनापति हो लेकिन समझ न मेरे आया है, पांडव से मिलकर रण में तेरी सेना कटवाया है। कुछ तो करिए ख्याल गुरुजी नमक हमारा, और रूही नंदनी बिटिया की तरफ से 51 रुपए का पुरस्कार, राजभवन लखनऊ की तरफ से माँ भवानी बिटिया को सदबुद्धि दे, पढ़ लिख करके माता पिता का नाम रोशन करें, ये हमारी मनोकामना। सभी भाइयों को हमारा नमस्कार।
कुछ तो कहिए ख्याल गुरु जी नमक हमारा खाया है। इतना सुनकर द्रोणाचार्य ने चक्र भी रचवाया है। पांडव का कोई वीर मरेगा ये मुख्य फरमाया है। महाप्रतापी वीर था वो शंकर की उस पर दाया, शंकर की दाया उधर इधर पांडव दरबार में बैठे थे। भीम से नर पांडव दरबार में आए नकुल लेकर खबर कौरवों के तरफ की। बोले नकुल फौरन आकर पांडव दरबार में द्रोणाचार्य जी ने है चक्र भी रचाया। सुनकर सभी खाए चक्कर पांडव दरबार में। अर्जुन का लाल भी वहीं पर था खड़ा हुआ। बोला अभिमन्यु हो निगर पांडव दरबार में। पांडव दरबार के अंदर वो बोल उठा तत्काल सुनो दादाजी चिंता गया अपना कोई कर ख्याल सुनो। रथवाया जो चक्र भी है दुर्योधन की चाल सुनो। आज नहीं है अर्जुन तो काफी अर्जुन का लाल सुनो। तोड़ूंगा मैं चक्र भी ऊपर मेरा है विकराल। मैं तोड़ूंगा मैं चक्र भी ऊपर मेरा है विकराल सुनो। तोड़ो कल पर अभिमन्यु ने ठोक दिया है। और 70 रुपए का पुरस्कार अयोध्या टैलन के डॉक्टर डायरेक्टर श्री भास्कर यादव जी की तरफ से आए हैं। चरण वंदन करते हुए भैया को हार्दिक हार्दिक बंदन अभिनंदन और स्वागत है। सभी भाइयों को हमारा नमस्कार। तो कौरव दल पर अभिमन्यु ने ठोक दिया है ताल सुनो। भीम नकुल सहदेव रक्षक जब गिरधर गोपाल सुनो। कौन करेगा रण के अंदर मेरा बाका बाल। तो मेरा बाका बाल कौन है किसमें दम दाया। सुनकर के धर्मराज का दिल उस दम घबराया। बोले युधिष्ठिर चक्रव्यूह तुम कैसे तोड़ोगे शंका हमारे दिल के अंदर ये है समाया। एक रोज मेरी माता को ना नींद आती थी तब व्यूह तोड़ने को पिता माता से बतलाया। छह फाटक तोड़ में तलक था सुन लिया हमने। फाटक सातवें का भेद मैं जान ना पाया क्योंकि मेरी माता जी को थी नींद आ गई। सुनकर के धर्मराज का है चेहरा मुरझाया। जा रहा हूँ दादाजी मेरा प्रणाम लीजिए माता के पास जाने को है दिल में ठहरा। तो दिल में ठहराया उत्तरा उधर बहुत घबराती है। बिना पति के ये दुनिया शमशान नजर में आती है। किया आरती बालम की और गले में हार पहनाती है। बोला अभिमन्यु प्रिय तू अपने मद में माती है। चक्र भी उतोड़ना मुझे तू अपना रंग जमाती है। उधर महल में अभिमन्यु की माता जब सुनताती है आकर माता अभिमन्यु को सीने से लिपटाती है। दे करके तलवार और मस्तक पर तिलक लगाती है। धनुष बाण दे करके कहा बेटा ये तेरी संगाती है। इसी को समझो मात पिता और यही तुम्हारी साथी है। इसी को समझो मात पिता और यही तुम्हारी साथी है। पिता किया बेटे को दिल में जरा न शंका काती है। नहीं लाल के घराने से वो भाल की फटती। ये सच्चा बयान है। पहले फाटक पर खड़ा जयद्रथ सीना तान है। अर्जुन को छोड़कर चारों पांडवों को मारूंगा। आ जाए पांडव तो ले लूंगा सबकी जान है। निकला उधर से अभिमन्यु बोला हो खबरदार लड़ने के लिए तू यहाँ आजा शैतान है। बोला जयद्रथ तू मुहा बच्चा यहाँ आया छोटी सी जान और लंबी इतनी जबान। लंबी जबान है इतनी तो पड़ा हुआ सैतानी में। मेरे वार से सफल घमंड है कर तुझको वरदानी में। मेरे वार से सफल घमंड है कर तुझको वरदानी में। मूर्छित योद्धा का सिर काटूं क्या ताकत इंसानी में। मूर्छित योद्धा का सिर काटूं क्या ताकत इंसानी में। अरे बेसदम शर्म हो मर जाओ डूब कर पानी में। चूड़ियां पहनी हाथों में लिखवा दे नाम जवानी में। अरे बेसदम शर्म हो मर जाओ डूब कर। I'm sorry.
मर्द हो मर जाओ डूब कर पानी में, मेरे पिता का शिकार तो दुर्योधन की राजधानी, दुर्योधन की राजधानी में वीरों का काम है, अर्जुन का लाभ हो जब मन लू मेरा नाम है, फाटक दूसरे पर से द्रोणाचार्य जी खड़े, मारा है बाण चरणों में किया उनको प्रणाम है, बोला अभिमन्यु गुरु जी आशीर्वाद दीजिए, तोड़ू का चक्र व्यूह मचा डालू को राम है, बोले गुरु बेटा जुबा पर ताला पड़ गया, बोले गुरु बेटा जुबा पर ताला पड़ गया, तोड़ूंगा चक्र व्यूह मचा डालू को राम है, तोड़ूंगा चक्र व्यूह मचा डालू को राम है। क्यों यहाँ आया, सोचा था किसी वीर का होगा काम तमाम है, तो होगा काम तमाम याद दुर्योधन के ही चढ़ाने पर, क्रोध में है बेटा बुद्धि रहती है नहीं ठिकाने पर, मुझे नहीं मालूम था तू आएगा मेरे निशाने पर, इसीलिए तू भाग बेटा अब मेरे समझाने पर, बोला मनु तुले गुरु जी कायर मुझे कहने पर, आज कलेजा होगा ठंडा चक्र भी उठाए जा होगा ठंडा चक्र भी उठे जाने पर, बोले गुरु जी आशीर्वाद जा तुझ पर तेरे घराने पर, नाम रहेगा अमर ये बेटा तेरा सारे जमाने पर, द्वार तीसरा तोड़ घुसा कुछ खोक धोस ना खाने पर, गरज रहा सा पीव के अंदर जैसे शेर लगाने पर, कहा जय जय तू ये मन्नु तुला है जान गवाने पर, कल के मन्नु चढ़ बैठा सीने पर मौका, बोला क्या आंखें फोड़ दू, जो हाथ उठाया माता जी पर उसको तोड़ दू, रोटी रही द्रौपदी खड़ा हंसता रहा उस दम, रोटी रही द्रौपदी हंसा, रोटी रही द्रौपदी खड़ा हंसता रहा उस दम, अब बोल तेरे मुख से खून कोई तोड़ दू, आ गया यार दादा भीम का तू शिकार है, इसलिए भाग जा ऐ कायर मत तुझको छोड़, तुमको ऐ कायर सूरत ना मुझको दिखलाना, चौथ द्वार पर सपनी मामा अपने को गिनता दाना, हर अभिमन्यु तीर धनुष पर कमान को जब है ताना, भगा मुकाबिल से सकनी जिस तरह से भागे जानाना, पचे द्वार पर कर्म वीर ताकत है उसकी अजमाना, छुप छुप करते वार और रखते रज कूची का दाना, पचवा टूटा छठवा टूटा तब दुर्योधन घबराना, बुला के सब वीरों को बोला काल सिर पर मरवाना, एक नन्हा सा बच्चा व्यूह में मचा दिया है घमासान, खलबल करके सपनी बोला इस लड़के को फुसलाना 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 इस लड़के को, ये लड़का होशियार है अर्जुन से ज्यादा वीर अर्जुन का सुमार। दूसरा निवासी बड़े भैया सोहन लाल यादव जी की तरफ से 21 रुपए का पुरस्कार, चरण वंदन करते हुए भैया को हार दिखा देंगे, नमस्कार सभी भाइयों को मारा नमस्कार, आगे ध्यान दें। अर्जुन से ज्यादा वीर अर्जुन का सुकुमार है, छल बलियों राजनीति से तो काम है लेना, धोखे से मारोगे तब होगा बेड़ा पार है, निकला उधर से अभिमन्यु बोला हो खबरदार, मारे बाणों के अभिमन्यु कर दी बौछार है, बोला दुर्योधन वाह वाह श्याबस मेरे बेटे, लग जा गले से मेरे कर लो तुझको प्यार, अभिमन्यु चाचा को जब इतना हो ख्याल, तो मेरा दिल भी अब मिलने से ये बेजार है, जा मेरी धनुष बाण अब तू भी आराम कर, तुमको ये नमस्कार मेरा बार बार है, बोला दुर्योधन पकड़ लो बस जाए न कहीं भाग, लो बांध मुझके इसकी कर लो गिरफ्तार। और हमारे राम क्यों भैया मकान मालिक की तरफ से 51 रुपए का पुरस्कार, चरण वंदन करते हुए भैया को हार दिखा दी, नमस्कार
सभी भाइयों को हमारा नमस्कार। आगे ध्यान दे लोपान मुझके इसकी लोपान मुझके लोपान मुझके इसकी कर लो गिरफ्तार है। बोले बोलाए मन्नू गुरु जी खड़े देखते हो क्या इन पापियों को मेरे ऊपर कितना खार है। बोले गुरु बेटा जुबा पर ताला पड़ गया जा बेटा तेरी वीरता यादगार है तो यादगार हो नाम तेरा यूं नहीं पुकारा जाता है। पता करके फिर बालक को यूं ना ही मारा जाता है। पिताजी अर्जुन कहा दुनिया लाल तुम्हारा जाता है चाचा भीम बदला लेना अब तेरा सितारा जाता है। माता सुभद्रा आपकी आंखों का दुधारा जाता है प्रिय वो तेरा मिल न सकोगी तेरा सहारा जाता। बोला तिलो धन अभिमन्नु अब किसे पुकारा जाता है। मन्नु हो जा सावधान अब गदा हमारा जाता है। ओम शांति हाय राम अब प्राण हमारा जाता है। घरान में गुर में ही लाल का पाव पखारा जाता है। भरी सभा में अपने दुश्मन को ललकारा जाता है। जानदार पट्टा हर दम दंगल में उतारा और सब कहा निवासी बेचूलाल भैया की तरफ से क्या रुपए का पुरस्कार चरण वंदन करते हुए भैया को हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। सभी भाइयों को मारो नमस्कार। आगे ध्यान में अभिमन्यु को ठोके से गिरा दिया और वीरगति होने का समाचार जिस समय उत्तरा को मिलता है ध्यान दें दोस्तों उत्तरा विलाप करती है किस तरीके से। रोवे उत्तरा रानी होइगा रोवे उत्तरा रानी होइगा मनवा उदास बा मनवा उदास बा पति बिन निराश बा लाजिया बचाया भगवान तुहरा के आस बा तुहरा के आस बा। रोवे उत्तरा रानी होइगा मनवा उदास बा पति बिन निराश बा लाजिया बचावा भगवान तुहरा के आस बा तुहरा के आस बा। धोखे से द्रोणाचार्य भी रचना रचाए थे धोखे से रचाए थे घर नहीं पिता अर्जुन पति मेरे लड़े आए थे। पापियों ने मारा उनको खाया ना तरास बा खाया ना तरास बा लाजिया बचावा भगवान तुहरा के आस बा तुहरा के आस बा। धर्म की ध्वजा उखाड़ा है उत्तरा कह रही है ऐ पापी दुर्योधन धर्म की ध्वजा उखाड़ा है। धरती पे गिर गए पति लात जय पथने मारा है। बदला लेंगे दादा अर्जुन बदला लेंगे हमें विश्वास बा हमें विश्वास बा लाजिया बचावा भगवान तुहरा के आस बा तुहरा के आस बा। चिता में जलने आई है लेकर पति की लाश चिता में जलने आई है। उत्तरा को फौरन रोक दिया किरसन कंधाई है। होगा वीर भारी पुरुष होगा वीर भारी पुरुष तुहरे गर्भ दास बा
तोहरे गर्भ दास बा लाजिया बचावा भगवन तोहरा के आस बा तोहरा के आस बा। सुनो ये अमृत बानी है, गाते हैं दशरथ लाल उत्तरा की ये कहानी है। पैदा भय परीक्षित राजा, पैदा भय परीक्षित राजा, लिखा इतिहास बा लिखा इतिहास बा, लाजिया बचावा भगवन तोहरा के आस बा तोहरा के आस बा। और हरिभा जी आप कीर्तनकार के बड़े गवैया बनते हैं, ध्यान दें, गौर कीजिए, हमारी तरफ से जा रहा है तुम्हारे जवाब में, जो भी अभी गा के आप बैठे हो गौर कीजिए। के सूत नखा रावण की बहन वो पंचवटी पर अटी, सूत नखा रावण की बहन वो पंचवटी पर अटी, वो घटना घटी कि बालक दोई झंझटी, वो बालक दोई झंझटी। पंचवटी मैं गई घूमने खूब सुंदर फुलवारी, रावण से कह रही सुपनखा, पंचवटी मैं गई घूमने खूब सुंदर फुलवारी, दो बालक है साथ में आए संग में सुंदर नारी, ना कुछ बोला ना कुछ चाला, ना कुछ बोला ना कुछ चाला, किया है मेरे साथ घोटाला, तुम्हारे रहते हुए तुम्हारी बहन हुई नकटी की घटना घटी, हो बालक दोई झंझटी ये घटना घटी कि बालक दोई झंझटी। और गोदावरी निवासी पंकज यादव जी की तरफ से 21 रुपए का पुरस्कार, चरण वंदन करते हुए भैया को हार्दिक हार्दिक नमस्कार। सूपनखा की बात सुनी तो रावण है गुस्सा आया, मामा मारी के पास में रावण देखो दौड़ा आया, मामा अपना देर लगाओ, मामा अपना देर लगाओ, चल करके माया फैलाओ, मामा अपना देर लगाओ, माया का मिर्गा बन जाओ, इसी समय चलना है मामा, मुझे राम की पुटी की घटना घटी, वो बालक दोई झंझटी ये घटना घटी कि बालक दोई झंझटी। ध्यान दो दोस्तों, हमारी तरफ से जा रहा है गौर किए, ये तो था तुम्हारा जवाब। जिस समय कुमार रोहित को सर्प ने डसा बगीचे में, रानी तारा विलाप करती है और ध्यान दें किस तरीके से जिसकी बोल है,
की रात दिन ढेला गिरे मोरे हो अगन हवा। इसे एल्बम हॉल ने गाया, कवि जी ने क्या भाव दिया कि रोवे तारा रानी ढोरे, रोवे तारा रानी ढोरे आंसुआ नया नावा, आंसुआ नया नावा कहावा सिधार गईला हमर ललनवा, कहावा सिधार गईला हमर ललनवा। श्रापवा के कारण हम भैली भिकारिया, श्रापवा के कारण हम भैली भिकारिया, राजपाट छूटा छूटी अवध नगरिया, विधना न जानी काऊ, विधना न जानी काऊ लिखे मोर करामावा, लिखे मोर करामावा कहावा सिधार गईला हमर ललनवा। आहिरे विपाती हमें यस पछवायु, पहले पति से मोरा साथ छोड़ आयु, कर चौकीदारी मांगे, कर चौकीदारी मांगे मार घट प्रदान हुआ, मार घट प्रदान हुआ विधना न जानी पाऊ लिख मोर करामावा। रोती हुई दौड़ी रानी बागिया को आई, रानी है मोहाल पास नाहिए को पाई, कैसे का मंगाई लाल, कैसे का मंगाई लाल रोहित का कफन हुआ, रोहित का कफन हुआ विधना न जानी काऊ लिख मोर करामावा, विधना न जानी काऊ लिख मोर करामावा। रानी तारा अपने कुमार पुत्र को रोहित को अपनी साड़ी में लपेट करके दोस्तों और चल देती है, और मास्टर साहब बाबूराम उसरा निवासी 11 रुपए का पुरस्कार चरण वंदन करते हुए भैया को हार्दिक हार्दिक नमस्कार, सभी भाइयों को हमारा नमस्कार। आगे ध्यान दें, गीला खात चली रानी घाटवा के ओरिया, जहां वाप हारिस चंद कैले बानु करिया, जहां वाप हारी चंद कैले बानु करिया, कर नारियायत मांगे, कर नारियायत मांगे मार घट प्रदान हुआ, मार घट प्रदान हुआ विधना न जानी पाऊ लिख मोर करामावा। राजा का हाथी पहले करे का चुकाओ, दादी में जाके लाल आपन दफनाओ, हमसे ना ही छुटी है हमरो, हमसे ना ही छुटी हमरो सत्य हो ईमान हवा, सत्य हो ईमान हवा विधना न जानी पाऊ लिख मोर करामावा, विधना न जानी पाऊ लिख मोर करामावा। और
चांदा सुधीर निवासी सुरदर्शन भैया की तरफ से 21 रुपए का पुरस्कार। चरण छूते हुए भैया को हार्दिक हार्दिक नमस्कार, सभी भाइयों को हमारा नमस्कार। आगे ध्यान दें, रोई रोई काहे रानी कोई ना सहारा, रोई रोई काहे रानी कोई ना सहारा, बारे ललानवा के खातिर सारी, रोई रोई काहे रानी कोई ना सहारा, बारे ललानवा के खातिर सारी तारा, हीले नागी धरती यौरी, हीले नागी धरती यौरी, कांपे लागगानवा, कांपे लागगानवा, बीधना न जानी काऊ लिखे मोर करामवा, भगवान दीन हुए हरी के सहारे, तीनों को लेकर अपने धाम को सिधारे, गांव दशरथ लाल यादव दर्द भरा गाना, दर्द भरा गाना, विधना न जानी काऊ लिखे मोर करामवा,